सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुझे अपने लिए जासूसी की पेशकश की और मुझे यहां लाने के लिए ये जाली नक्शा दिया, मगर वो ये नहीं जानता कि मैं पहले ही असल नक्शा चुरा चुका हूं। लेकिन हम ऐसा क्या लिखें कि खत वालिदा ने भेजा है ऐसा लगे? ये आप हम पर छोड़ दें। हेकलर अपनी तमाम जरूरी चीजें एक अनोखी तिजोरी में रखता है। आपको यूरोप के कई दूसरे ममालिक में भी ऐसी तिजोरियां देखने को मिलेंगी। सिर्फ खास लोग ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो रोज नामचा है जो तुताव लाली नैवान के लिए रखा हुआ है। मुझे उसकी ईमानदारी और तरीके पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए इस रोज नामचे को हासिल करना बहुत जरूरी था। हम उन तमाम राजों से वाकिफ हैं जो मजबूत किलों और खुफिया तिजोरियों में छुपाए जाते हैं। सौदे के लिए अशरफ को पैगाम भेजूंगा। मैं तुम्हें उसकी जगह और वक्त के बारे में बता दूंगा। मिका, तुम बच्चा लेकर आओगे। माफ कीजिएगा जनाब, आपने जो किताब तलब की है वो अभी दस्तियाब नहीं। क्यों? सालिया सुल्तान कुछ अरसा मजीद महल में रहेंगी और नाइमे यकीनन उन्हें भेजने के लिए जरूर कुछ करेंगी, लेकिन हमें उनकी मदद करनी होगी। इस बार क्या मंसूबा है? सबसे पहले तो आपको सालिया सुल्तान की कोई कमजोरी तलाश करने में हमारी मदद करनी होगी। हम चाहते हैं कि आप उनके माजी की छानबीन करें, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, अब तक उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, हमें सब मालूम चाहिए, छोटी से छोटी बात भी। ये आसान है, मैं संभाल लूंगा। तो बताइए, नाइमे सुल्तान का खबर सुन के क्या रद्द अमल था? जैसा हमने सोचा था वैसे ही, वो ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। जब से उनकी वालिदा गई है वो खालीपन महसूस कर रही हैं और वो मजीद सरमायाकारी करेंगी। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मुनाफा कमाती रहे, यहाँ तक के नाइमे सुल्तान मुकम्मल कर्जे में डूब जाए और वो इस कर्जे से कभी बाहर ना निकल सके। अगर हमारी बहन को इल्म हो गया तो वो हम पर पाबंदी आयद कर देंगी। वैसे भी वो तौफीक पाशा के बारे में सवालात करती रहती हैं। आप तौफीक पाशा के मामले में क्या करेंगी? हम उनके पास अक्सर जाते रहते हैं ताकि फातिमा को शक ना हो। हमारे ख्याल में आपका उस शख्स से मिलते रहना ठीक नहीं। और ऐसा क्यों है?
क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं आलिया। तुम तो बहुत जल्दी तुर्क कहवा लिया है। आप कहवे का इंतजार कर रहे हैं शहजादी? आप माजरा चाहता हूं, मैंने आपको देखा नहीं। मैंने कहवा मंगवाया था, मुझे लगा कि वो आया है। कोई बात नहीं, आप तो सर उठाए बगैर अपना काम करने में मसरूफ थे। हम आपके काम में खलल नहीं डालना चाहते थे, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी गुफ्तगु करनी है। बैठिए शहजादी। हम जानते हैं कि आप हमारी बहन आलिया सुल्तान से मिलते हैं। जी हाँ शहजादी, आलिया सुल्तान ने मुझे ऐसी फ्रांसीसी इशातों का तर्जुमा करने को कहा जिनमें उन्हें दिलचस्पी थी। जैसे ही वो मुकम्मल हुई तो मैंने फौरन उन्हें वो इशातें भिजवा दी। फिर उन्होंने मजीद इशातें तर्जुमे के लिए भेज दी। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भी उन इशातों का तर्जुमा कर सकता हूँ जिनमें आपको दिलचस्पी है। नहीं, जरूरत नहीं। इंशाल्लाह मेरी कोई बात या अमल आपकी नाराजगी की वजह नहीं बना होगा शहजादी। नहीं नहीं, इसके बरक्स हमें खुशी है कि आप तर्जमे में हमारी बहन की मदद कर रहे हैं। हम जाती तौर पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। इसकी जरूरत नहीं, दरअसल मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया। हम मुखिल नहीं होना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, वही हुआ जिसकी तवक्को थी। जापानियों ने लुशनको में ऑर्थर बंदरगाह पर हमला कर दिया। उन्होंने मंचूरिया से रूस के इनखला की वजह जाहिर की है। फ्रांस के साइबेरियन रेलवे जाल के बावजूद रूस को इमदाद भेजने में दुश्वारी पेश आ रही है। जापान की दूसरी फौज ने दालियन की बंदरगाह को अपनी कार्रवाइयों का अड्डा बना लिया है। सुल्तान मौसम, पाशा हमें जंग पर नजर रखने के लिए फौरी एक कमेटी बनानी होगी जिसमें वजीर दिफा रजा पाशा, वजीर आजम साहब इसद पाशा और खारजी उमूर के वजीर तौफीक पाशा होंगे। जी बेहतर। अहमद नूरी को तेजी से काम करना होगा। हमें हिटलर के हाथों से दस्तावेजात जल्द हासिल करनी होगी क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। जैसे आपका हुक्म। जवाब का कितना इंतजार करूं और कितना इंतजार करना होगा मुझे? क्या आप ठीक हैं जनाब? ठीक हूं मैं। तुम्हें क्या, क्या तुम तबीब हो? हाँ संदूक महफूज है। आज आप दो बार आए, मैं तो एक बार गया था। हम उन राजों को भी जानते हैं जो खुफिया दराजों में रखे जाते हैं। पिछली तरफ से एक और दरवाजा है लेकिन मुझे सुर्ख जिल्द में ही चाहिए। ये आपको किस जुबान में चाहिए? क्या ये रूसी जुबान में सुर्ख जिल्द में नहीं है? माफ कीजिएगा जनाब, आपने जो किताब तलब की है वो अभी दस्तयाब नहीं। मैं सिर्फ एक बार गया था, सिर्फ एक बार गया था मैं। जनाब पुरसुकून हो जाए। क्या मतलब पुरसुकून हो जाऊं? जाओ जाओ निकल जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। अब ये मुझे पुरसुकून होने के लिए कहेंगे? कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ? आखिर कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ मैं? आइए बेटा। सुल्तान मौसम, हमने वो दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। बर्तानिया ने मैसन को जो भी हुक्म दिया ये उनकी दस्तावेजात हैं। बहरे बाल्टक में रूसियों की बहरिया की मालूमात, कौन सी बंदरगाह कमजोर है, तमाम खुफिया मालूमात की तफसीलात, बर्तानिया और जापान के माबैन खुफिया मुहैदे, आइंदा जो अहकाम दिए जाएंगे, इन सब को मेसन भाइयों के लिए छोड़ा गया है। सुल्तान मौसम, जनाब हेगलर बहुत हैरान होंगे। उसने खुद ही हमें इन तक पहुंचाया है।
तहसीन बादशाह। हुक्म कीजिए। रूसी सफीर को बुलाइए, कुछ अहम मामलात पर उनसे बात करनी है। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। इस तरह बर्तानियों के जरिए मेसन को दिए गए तमाम राजों को बेनकाब कर दिया जाएगा। हमने वो सारी गोलियां इस्तेमाल की, उसके आदमियों को मार दिया, वो जल्द ही अपने बिल से बाहर आ जाएगा। मुझे खबर मौसूल हुई है, वो रोज नामचे की वजह से होने वाली बदनामी के बाइस बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। वो अली उस्मान के बदले रोज नामचा चाहता है। कब और कहां पे? वक्त के बारे में बाद में बताएगा, लेकिन वो आपसे अकेले मिलना चाहता है, बंदूक के बगैर। और मुझे उस तताव लाली पे जरा बराबर भी भरोसा नहीं है। कमांडर, मुझे भी उस पर एतमाद नहीं, आप अकेले मत जाएं। उनके पास अली उस्मान है, मैं सौदेबाजी नहीं कर सकता। वैसे भी अब उसके साथ कोई नहीं है, वो कोई मंसूबा नहीं बना सकता। ताजा तरीन खबर क्या है? सुल्तान मौजम, 00:20 पर पहला जापानी जंगी बहरी जहाज आर्थर बंदरगाह तक पहुंचा। 00:28 पर एक जापानी शिराकुमो जंगी बहरी जहाज ने मिसाइल के जरिए 3 चिमनी वाले जहाजों को तबाह कर दिया। फिर उसने 2 जहाजों पर हमला किया। 00:32 पर जापानी जंगी जहाज आसाशू रूसी जहाज पर हमला करने के बाद जनूब मशरक की तरफ वापस चला गया। आखिर में रूसियों ने हमले के रद्दे अमल के तौर पर जवाबी हमला किया और पसूमी जंगी जहाज पर हमला करने के बाद जनूब की तरफ चले गए। इस तरह से जंग का आगाज हो गया। सुल्तान मौसम, रूसी बैरुल काहिल की बैरिया ने व्लादिवोस्तोक की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है और जापानी बंदरगाह आर्थर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसियों को बैरुल काहिल में बाल्टिक बैरिया भेजने का हुक्म मिला है। फैसला देर से किया गया है, तकबीर इख्तियार कर ली होगी उन्होंने। सुल्तान मौसम, हम इस सूरत हाल में क्या करेंगे? हम गैर जानिबदार होंगे पाशा, लेकिन हम चाहते हैं कि जापानी रूसी बहरिया का मुकम्मल खात्मा करें। रूसियों को मशरक में हारना होगा, लेकिन असल बात यह है कि रूसियों का यह जंग जीतना भी जरूरी है। क्यों सुल्तान मौसम, रूसी वही हैं जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं, इसीलिए उन्हें जीतना चाहिए। अगर रूसी मशरक में हारते हैं तो वो अपनी नजरें रोमालिया पर रखेंगे। अंदर मौजूद मुखालफत को खामोश करने के लिए उन्हें हर हाल में फतह हासिल करना होगी। इस जंग पर आपको हर लम्हा कड़ी नजर रखनी होगी। बगीबान, बगीबान यहां मेरे पास आओ, अंदर आओ। खैरियत तो है, कहां जा रहे हो तुम? मैं अपने वतन अपने खानदान के पास वापस जा रहा हूँ। तुम्हारा खानदान यहाँ है, तुम्हारी वालिदा दूसरे कमरे में है। खुदा का वास्ता है, ये तमाशा मत करो मेरे सामने। यहाँ नहीं रह सकता मैं, इसके अलावा मुझे विरासत से भी आग कर दिया गया है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो सकता है आपा, क्या हो सकता है? ये कहानी कह रहा है अपनी माँ से थक चुका है, घर छोड़कर जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वालिदा। बिल्कुल ऐसा ही है आपा, अभी ये सब इसने कहा था। इस किस्म की चालों की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहानी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया, मैं भी कुछ और वक्त लूंगी। मेरी प्यारी आपा, चाहे तो अपने कमरे में जा सकती हैं आप, मैंने आपके लिए खानसामा से सब्जियों का शोरबा बनाने का कहा है और पता है इस पर कोई लागत भी नहीं आई। मैंने उसे कहा था कि सड़क के किनारे लगी जड़ी बूटियों को जमा करो और निहायत लजीज शोरबा तैयार करो। अब जाइए, मैं कमरे में भिजवाता हूँ। बहुत अच्छे, लुत्फंदोज हो प्यारी बहन, लुत्फंदोज हो। मेरी तरफ देखो, क्या तुम अपनी वालिदा की नाराजगी की वजह से गमजदा हो? जी हाँ पाशा। चलो एक मुआहदा करते हैं, इस मामले को मैं हल कर दूंगा। क्या वाकई पाशा? हाँ वाकई। देखो मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बहन जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। वो उन्हें इतना चाहती हैं कि उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी तक दे देती हैं।
क्या आप उनसे प्यार नहीं करते पाशा? मैं भी जानवरों से प्यार करता हूँ, लेकिन उनसे जिन्हें मैं पकाकर खा सकता हूँ, जैसे कि मुर्गी, बकरा, भेड़। तुम जैसों को भी पसंद करता हूँ जिन्हें कोई बात समझ नहीं आती। मजाक कर रहा था। खुदा के वास्ते हर बात पर अफसरदा मत हो जाया करो। अच्छा सुनो, ये मेरी बहन जानवरों और परिंदों को बहुत पसंद करती है। ऐसा करो, बाजार जाओ और एक बोलने वाला तोता ले आओ। उस तोते को ये सिखाना कि कहे सबूहा सबूहा सबूहा। मेरी बात समझ में आई? बताओ क्या सिखाओगे उसे? सबूहा सबूहा। हाँ, बहन जब सुबह उठेंगी तो परिंदे को देखकर बहुत खुश होंगी, और जब वो सबूहा 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 कहेगा तो वो तुम्हें खुशी से गले लगा लेंगी और माफ कर देंगी। क्या वाकई वो मुझे माफ कर देंगी? हाँ माफ कर देंगी, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अल्लाह आपका भला करे पाशा, अल्लाह आपका। अच्छा ठीक है, बस दूर रहो मुझसे। जाओ तोता खरीद के लाओ, जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो। ये सामान यहीं छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। चलो जाओ, जल्दी जाओ। शाबाश, कितना बेवकूफ इंसान है ये। न जाने बाबा वो खत पढ़ के कैसा महसूस करेंगे। फिक्र मत करें, वो बीदार सुल्तान को यकीनन महल वापस बुलवा लेंगे। सुल्ताने मौज़म उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वो सुल्ताना को ज्यादा देर अपनी सोबत से दूर नहीं रखेंगे। और हाँ, हमने खत की आमद की बात महल की खादमाओं के कानों में डाल दी है, ताकि वो सालिया सुल्तान तक बात पहुँचा दें, ताकि वो अपनी जाने की तैयारी करें। बहुत अच्छा किया आपने। क्या हुआ, आप दोनों हमें देखकर खामोश क्यों हो गई? कहीं दोबारा कोई चाल तो नहीं चल रही? नहीं, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि आपकी तरह की चालें चलें और कामयाब हो जाएं। हम सिर्फ इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतनी इंसाफ पसंद हैं, काश आप काजी के ओहदे पर फाइज होती। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्ताने मौसम। प्यारी बेटियों। बाबा जान, हमने आपके लिए खास खाना तैयार करवाया है। ठीक है, बैठिए। बिस्मिल्लाह। मलिका सालिया नहीं आई? उन्हें खाने के औकात का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद नहीं आई, और ना आने की इतला भी नहीं दी। सुल्ताने मौज़म, सालिया सुल्तान ने आपके लिए भेजा है। क्या लिखा है बाबा जान? खाने के लिए ना आने की माजरत। सुल्ताने मौज़म, सालिया सुल्तान की तबीयत तो ठीक है ना? आज तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, मगर हमें यकीन है कि बाबा की तवज्जो हासिल करने के लिए वो बीमार हो गई होंगी। हम जानते हैं कि आप हमारी सोच की वजह से नाराज हैं, लेकिन इस बात से भी वाकिफ हैं हम कि अगर आप अभी उनके कमरे में जाएंगे तो वो बीमारी का नाटक करेंगे। हम आपकी सोच की वजह से नाराज नहीं, बल्कि हम तब नाराज होते हैं जब आप बगैर सोचे समझे किसी मामले में नतीजे पर पहुंच जाएं। मलिका सालिया ने लिखा है कि वो बखैर आफियत है, और उनकी सेहत के बारे में हम में से किसी को भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। चलिए खाना शुरू कीजिए। इमसाल खादमा, क्या आपने हमारा पैगाम भेज दिया? जी भेज दिया सुल्ताना। ये खाने का वक्त है, हमने उनकी जियारत का ये मौका भी हाथ से गवा दिया। बस आपको कुछ वक्त सुल्ताने मौज़म के फिराक में गुजारना होगा, ताकि आने वाले वक्त में आपको उनका ज्यादा कुर्ब हासिल हो सके। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ होते हुए भी उनकी ज़ियारत से महरूम हैं। सब्र का फल मीठा होता है सुल्ताना, मेरा यकीन कीजिए।
इंशाल्लाह। हमारे सर के ताज, हमारे दिल का सुरूर सुल्तान मौसम, आपके साथ गुजारा गया वक्त ही हमारी जिंदगी का कुल असासा है। आपसे जुदाई का गम इतना गहरा है कि दुनिया की कोई चीज हमारे गम का जारा नहीं कर सकती। हमें लगा कि हम आपसे दूर रहकर भी आपकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे, मगर हम गलत थे सुल्तान मौसम। आपसे जुदा रहना, आपकी जियारत से महरूम रहना हमारे लिए जहन्नम के अजाब से बदतर है। आपकी ही गुर्बत में करार नसीब होता है हमें। हमारे दिन परेशान और रातें भारी हैं। हमारी जिंदगी बेरंग और मुरझाए हुए फूल की तरह हो गई है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमें महल वापस बुला लीजिए, वरना हम आपकी याद में घुल कर मर जाएंगे। आपकी कनीज, आपसे हमेशा मोहब्बत करने वाली मलिका बिदार। देखते हैं। आला, देखो जरा कितना रंगीन है। कसम से कहता हूं, ऐसा लगता है पाशा की वर्दी पहन रखी है। मेरी तरफ देखो, तुम्हारा नाम तो पाशा होना चाहिए, पाशा। अब मेरी बात को गौर से सुनो और अच्छी तरह याद कर लो। तुम्हें ऐसे कहना होगा पाशा, हाँ सबुहा सबुहा हा? सबुहा सबुहा, बोलो जरा, तरह बोल के दिखाओ। सबुहा सबुहा, हाँ, हर लफ्ज के साथ तुम्हें सबुहा लगाना है, बिल्कुल ऐसे। देखो, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा। अब बोल के बताओ, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा। अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया, कैसे पटर पटर बोल रहा है। कंजूर सबुहा, हाँ कंजूर सबुहा, शाबाश। कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा। सुल्ताने मौज़म, सालिहा सुल्तान ने आपके लिए तुर्क कहवा भेजा है, क्या आपकी मेज पर रख दूं? रख दीजिए बेटा। सुल्तानी मौसम, रूसी सफीर आ गए? अभी नहीं आए सुल्तानी मौसम, लेकिन जनाब हेकलर आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इंतजार करवाइए। जैसा आप चाहें सुल्तानी मौसम। दरवाजा खोलिए। सुल्ताना,
क्या हुआ खादमा, कोई बुरी खबर है क्या? सुल्ताना, मैंने लड़कियों को आपस में बात करते सुना है। बीदार सुल्तान ने सुल्ताने मौजम को एक खत भेजा है। कैसा खत भेजा है? माजरत के लिए, और उसमें महल वापस आने की दरख्वास्त भी जाहिर की है। लेकिन उन्होंने हमें जो खत लिखा था उसमें तो कहा था कि वो अब महल वापस नहीं आएंगी। शायद वो यहां से दूर रहने पर राजी नहीं है। हम समझ सकते हैं, शायद सुल्ताने मुअज्जम अब उन्हें माफ करके महल वापस बुला ले। शायद माफी ना मिले उन्हें। जरूर माफी मिल जाएगी। आप लोग बिला वजह खुश ना हो, बाबा वालिदा को कभी इनकार नहीं कर पाते। अब आपका यहां कयाम वक्ती है, जाने की तैयारी कर लें। आइए वालिदा आइए, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। अरे ये बहुत महंगा है क्या? नहीं वालिदा नहीं, ये आपके लिए है। अल्लाह अल्लाह, तुमने ये परिंदा कितने का खरीदा? पैसों का नहीं खरीदा मामू जान, खुद पकड़ा है मैंने। ये झूठ बोल रहा है आप, देखिए जरा इस झूठे को, ये झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं महमूद, मेरे बेटे को मत डांटो, ये मेरे लिए तोहफा लाया है। कितना रंगीन है ये, ओए कितना प्यारा है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। तुमने खुद पकड़ा है? बिल्कुल वालिदा, अपने हाथों से पकड़ा है। झूठ बोल रहा है आप, देखें जरा खुद पकड़ा है। भला ये क्या बात हुई, कोई फूल थोड़ी है कि पकड़ा और पौधे से तोड़ लिया, तोता है। अल्लाह अल्लाह, खैर कुछ ना कुछ देख के खरीदा होगा। चलिए आपका दिल तो जीत लिया ना आपा जान। आप माँ बेटे के ताल्लुकात की वजह से मैं बहुत अफसरदा था, मगर आज इस परिंदे की वजह से आप दोनों की सुलह हो गई। अच्छा हुआ। बताओ जरा बगीबान, इस परिंदे की खसूसियात क्या है? ये तोता है महमूद, इसके सामने जो बोलेंगे ये उसे दोहराएगा। अल्लाह का मौजज़ा है ये। क्या तुमने इसे कुछ बोलना सिखाया है? सिखाया है पाशा, अपनी वालिदा का नाम पुकारना सिखाया है। ये इतने प्यार से पुकारता है कि सब सुनते ही चले जाएं। सबुहा बोल सकता है ये क्या? जी बिल्कुल बोल सकता है। अभी तो ये आया है महमूद, इतनी जल्दी मेरा नाम कैसे बोलेगा? मेरे बेटे कानी, मेरा फैसला ये है कि तुमने इस तोहफे से मेरा मुकम्मल दिल जीत लिया है। मैंने विरासत वाले हुक्म में जल्दबाजी की, मगर अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। तुम मेरी इकलौती औलाद हो बेटा, आओ मेरे गले लग जाओ। वालिदा। चलो अब तुम बोलो, जल्दी से कहो कंजूर सबुहा। देखो अगर तुम अभी ना बोले तो मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा, जल्दी बोलो। कंजूर सबुहा, कंजूर सबुहा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, कंजूर सबुहा। पापा देखिए जरा इस बदतमीज ने तोते को क्या सिखाया। ये था तुम्हारा तोहफा कानी? ये कंजूर सबुहा, बदतमीज कानी, बेशरम कानी, अब तुम्हें मेरी विरासत से कुछ भी नहीं मिलेगा, एक सिक्का भी नहीं। वालिदा मैंने इसे ये नहीं सिखाया था। दफा हो जाओ यहाँ से बदतमीज। वालिदा वालिदा मेरी बात सुने। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया पाशा, शाबाश। तुमने बिल्कुल वही बोला जो मैंने सिखाया था, शाबाश। वैसे अगर तुम ना बोलते तो मैं तुम्हें वाकई ज़िबा कर डालता, शाबाश परिंदे, शाबाश परिंदे, शाबाश परिंदे। बदतमीज मेरे साथ तो ऐसे ना बोलो, मैं परिंदा नहीं पाशा हूँ, इस रियासत का पाशा। पाशा हूँ मैं, पाशा। देखो जरा इसे, मैं तुम्हें ज़िबा कर देना चाहता था मगर तुमने मेरी बात मान ली, जाओ माफ किया। जाओ माफ किया। शाबाश परिंदे, शाबाश। अल्लाह। शाबाश परिंदे, शाबाश परिंदे। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें। Thank you.
कहिए हेकलर साहब। सुल्तान मौसम, मैं दरखास्त करता हूँ ये हमला मत कीजिए। कैसा हमला? सुल्तान मौसम, मैं जानता हूँ कि आपके पास क्या सबूत हैं और आप क्या कुछ करने का इख्तियार रखते हैं, मगर मैं इल्तिजा करता हूँ ऐसा मत कीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि इसी वक्त पाए तख्त से चला जाऊंगा मैं। रहम कीजिए। रहम तलब करने का वक्त गुजर चुका है हेकलर साहब। सुल्तान मौसम, मैं अब वही करूंगा जो आप कहेंगे। हुक्म कीजिए। अब आपके पास इख्तियार नहीं, अब आपका कोई अमल कारामत नहीं होगा। मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए। ठीक है, आप जाइए। सुल्तान मौसम, रूसी सफीर आ गए हैं। खुदारा वो दस्तावेजात अफशा मत कीजिए। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा बल्कि चला जाऊंगा यहाँ से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना ही होगा, पायो तक छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम रूसी सफीर से मिलकर ये दस्तावेजात उनके हवाले कर देंगे। जाइए सुल्तान मौसम। जाइए। मेरे भाई, आपकी दस्तावेजात खाली क्यों हैं? मेरे काम करने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन अनकरीब आपको इसके नताइज मिल जाएंगे। अब मैं इसी काम के सिलसिले में यहां से जाने की इजाजत चाहता हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। जब तक सलीम पाशा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम इस खेल आखिरी पर्दा के लिए अपने बाकी हदफ को पूरा करते हैं। लेकिन हमें इस वक्त एक और गौर तलब मामला दरपेश है, जापान और रूस की जंग। इलावा जी, हमें बरतानवी हुकूमत के हमारा साथ देने के वादे पर भी तबादला ख्याल करना है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और इसके मुताबिक हमें यह फैसला करना होगा कि बरतानवी और रूसी जंग के बारे में दिए गए अहकाम पर अमल दरामद करना है या नहीं। वो अवामी कर्जों की इंतजामिया का इख्तियार हम ही देंगे, कुछ बंदरगाहें भी, और हाँ, उनका यह भी कहना है कि उस्मानी रियासत में भी वो किसी के साथ मुसलसल राब्ते में है। वादा किया है कि उसे भी हमारे साथ शामिल करने में मदद करेंगे। अगर वो अपने ये सारे वादे पूरे कर दे तो अब्दुल हमीद हमारी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकेगा, यकीन कीजिए मेरे भाइयों। वो जरूर हमारा साथ देंगे, मगर एक दरख्वास्त है उनकी। क्या है वो? रूस के मुखालफीन की राय का इस्तेमाल करते हुए उनमें जापानियों के लिए हिमायत का जज्बा पैदा करवाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम ऐसा अखबारात की मदद से करें। ये मैं संभाल लूंगा। आइए जनाब, आ जाइए। आइए। सुल्तान मौज़म, मुझे आने में ताखिर हो गई, सिफारत खाने में काम ज्यादा था। आपको तो मालूम है हमारा मुल्क हालत जंग में है। हमने भी आपको इसीलिए तलब किया है। तहसीन पाशा, लीजिए। आपके हाथ में मौजूद दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत के जापान के साथ होने वाले खुफिया इत्तेहाद का सबूत हैं।
क्या बर्तानवी हुकूमत जापान का साथ दे रही है? उनके माबेन खुफिया इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद मैसन तंजीम की मदद से अमल में आया। सुल्तान मौजम, अगर आप ये दस्तावेजात रूसी हुकूमत के हवाले कर दें तो हम आपके एहसान मंद होंगे। हमने आपको इसीलिए यहाँ बुलाया है, अपनी हुकूमत को इस इत्तेहाद के बारे में बाखबर कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके एहसान मंद हैं सुल्तान मौजम। तंजीम की एक मरकजी कमेटी होगी जो तीन अफराद पर मुश्तमिल होगी। उन अफराद का किसी को इल्म नहीं होगा और ना ही उनसे कोई मिलेगा। उनसे एक अहद लिया जाएगा, यही अफराद तमाम अहकाम देने के अहल होंगे, यानी तंजीम की मरकजी कमेटी। ऐसा क्यों? क्या हम इन लोगों को अवाम में मुतारिफ करवा के अपनी तंजीम के लिए नया रकीन जमा नहीं कर सकते? फी अदा, इंसान आज़ादी का भूखा है, उसे रहनुमाई की ज़रूरत होती है। मतलब उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, बस सब किसी जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहते हैं। मगर कौन सी तंजीम? पेरिस में मौजूद अहमद रज़ा की तंजीम। वो लोग खुद मफरूर हैं। वो पेरिस में रहते हुए यहाँ के मामलात को गहराई में नहीं समझ सकते, मगर उनका दावा है कि वो जुल्म का खात्मा करेंगे। क्या ये मुमकिन है? तो आपका क्या मशवरा है? मैं एक ऐसी तंजीम बनाने का मशवरा दूंगा जिसके अरकीन अपने मकासद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने से ना डरे, हर कोई खतरा मोल ले, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अब्दुल हमीद के जिंदान में मरने का इंतजार करेंगे। कैसे लोग हैं हमारे पास? ज्यादा नहीं है, मगर तादाद बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है, मैं आपके साथ हूं तलत। आप जो भी फैसला करें मैं आपके साथ हूं। बताइए शुरुआत कहां से करें? बल्गारिया के गिरोह सेलानिक में कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, एक साल से इसकी तैयारी की जा रही है, पहले हमें उनको बेनकाब करना होगा। मुझे लगा था कि आप अब्दुल हमीद के दुश्मन हैं। ऐसा ही है, लेकिन अगर हमने उनसे मुकाबला करके उनके इरादों को नाकाम बना दिया तो हम सबकी नजरों में अच्छे बन जाएंगे। इस तरह हमें एक पहचान मिल जाएगी और फिर उस वक्त जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमें बआसानी ढूंढ सकेंगे। पहले आपका जेवर चोरी हुआ जिसके तमाम शवाहिद खानी को मुजरिम जाहिर कर रहे थे। ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल मेरी आपा। और फिर उसने उस तोते को गैर मुनासिब अल्फाज सिखाए, यानी सुनकर मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही थी। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, हमेशा मुश्किल वक्त में बहन भाई ही काम आते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपनी औलाद भी अपनी नानी के लिए देखो। मगर आपा, आपने इसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कसम से इसने तो अपनी तरबियत का पास भी नहीं रखा। महमूद, मैंने इसकी तरबियत नहीं की, ये अपनी दाई के साथ रहता था। आपने बिल्कुल गलत किया और अब अपनी सारी विरासत उसे दे रही है जिसे आपसे लगाव नहीं। इससे क्या फायदा होगा? अब आप अपनी वसीयत पर दस्तखत करें ताकि ये मामला अब खत्म हो। महमूद, हाँ, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए या मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया। प्यारी बहन, क्या मैं आपको कभी छोड़ सकता हूँ? और सोचे तो जरा, मैंने भी तो अपनी तमाम जायदाद और घर बार का इख्तियार आपको दे दिया है ना? क्या भूल गई? अब आप भी इस वसीयत पर दस्तखत करके अपनी जायदाद मेरे नाम कर दें ताकि इस कानी नाम के शर से हमारी जान छूट जाए। ठीक कह रहे हो, अल्लाह खैर करे। खैर होगी, चलें। शुक्र है अल्लाह का। ओहो, मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है, आप जाएं आराम करें। हाँ मेरी प्यारी आपा, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। अब अपनी बहन की जायदाद का वारिस मैं हूँ। अब मुझे बताओ जरा, मैं इस जायदाद को जल्द अज जल्द कैसे हासिल कर सकता हूँ बेटा? पाशा, विरासत का माल जल्दी हासिल करने के दो ही रास्ते हैं, वसीयत करने वाले की वफात या उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाना। ज़हनी तवाज़ुन का खराब हो जाना, आला।
अब तुम जा सकते हो बेटा, ठीक है? हमने बरतानवी हुकूमत को इत्तेहाद की पेशकश की, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया वो सियासी उसूलों के खिलाफ है। हम आपके साथ इत्तेहाद करने के पाबंद नहीं। बीदार सुल्तान ने महल क्यों छोड़ा? वो इसलिए कि उन्होंने आपके बाबा से वाबस्ता दस्तावेजात को अफशा कर दिया। अगर सालिया सुल्तान भी उनसे गद्दारी करे तो क्या होगा? इनकी वालिदा की जगह कभी नहीं ले पाएंगे हम, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से इनका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम भी मुलविस हो तो तुम्हारे पास इस बेसाखी के सहारे गुजारने के लिए जिंदगी नहीं होगी।